रतन टाटा नहीं रहे, आज हर कोई दुखी है, गमजदा है। आपको हम तस्वीरें भी दिखाते हैं किस तरीके से उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए हजारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। जहां पर नरीमन पॉइंट में उनका पार्थिव शरीर रखा गया है, वहां पर आप तस्वीरों के जरिए देखेंगे कि क्या आम क्या खास तमाम लोग लगातार पहुंच रहे हैं। कुमार मंगलम बिड़ला भी पहुंचे हैं, इसके अलावा और भी तमाम जो उद्योगपति हैं एक एक करके वहां पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। राजनीति दुनिया के जो दिग्गज हैं वो पहुंच रहे हैं, नामी गिरामी जो खिलाड़ी हैं वो पहुंच रहे हैं। क्या आम और क्या खास, हर कोई आज रतन नवल टाटा को याद कर रहा है जो 86 साल की उम्र में हम सभी को छोड़कर अनंत यात्रा पर निकल गए। शाम 4 बजे तक एनसीपीए लॉन में ही उनका यह पार्थिव शरीर दर्शन के लिए रखा गया है ताकि लोग वहां पर पहुंच सकें, अपने प्रिय उद्योगपति को भावभीनी श्रद्धांजलि दे सकें। वो उद्योगपति जिसका उद्देश्य सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं रहा बल्कि उनका एक मानवीय चेहरा भी देखने को मिला था। हमारे साथ मृत्युंजय हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। मृत्युंजय, ये यहाँ पर कितनी देर का पूरा ये कार्यक्रम रहने वाला है जो अंतिम विदाई दे रहे हैं लोग, और उसके बाद जब वो वर्ली पहुंचाया जाएगा उनका पार्थिव शरीर, उससे जुड़ी कुछ और जानकारी, कुछ अपडेट अगर आपके पास हो। बिल्कुल, आपको बता दें कि 4-4.30 बजे तक पार्थिव शरीर को यहीं एनसीपीए में रखा जाएगा। तस्वीरें आपको दिखा दें, तिरंगे में लिपटे हुए सबके प्रिय रतन टाटा जी, और बारी बारी से लोग अंतिम दर्शन कर रहे हैं। पूरे मुंबई के पारसी समुदाय के जो लोग हैं वो यहां उमड़ पड़े हैं, साथ ही साथ टाटा ग्रुप की अलग अलग कंपनियों के में काम करने वाले कर्मचारी और उनके जो बड़े पदों पर काम करने वाले कर्मचारी हैं वो सभी यहाँ पर सुबह से ही मौजूद हैं और वो बारी बारी से अंतिम दर्शन कर रहे हैं। राजनीति के क्षेत्र की बात की जाए, उद्योग जगत की बात की जाए, सामाजिक क्षेत्र की बात की जाए, सभी क्षेत्रों से लोग यहां पहुंचकर अंतिम दर्शन कर रहे हैं। कुछ समय पहले यहां पर एनसीपी ग्रुप के अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल दर्शन करने पहुंचे थे, थोड़ी देर बाद ही शरद पवार अपनी बेटी के साथ दर्शन करने पहुंचे, गवर्नर शक्तिकांत दास दर्शन करने के लिए पहुंचे, व्यवसायी अजय पिरामल जो कि मुकेश अंबानी के समधी हैं और व्यवसायी हैं वो दर्शन करने पहुंचे थे, कुमार मंगलम बिरला अभी कुछ समय पहले तक यहीं मौजूद थे, और नोएल टाटा जो कि रतन टाटा के भाई हैं उनसे बातचीत कर रहे थे। साथ ही साथ आप देखें, लगातार कतार में खड़े रहकर लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि अमित शाह भी यहां पर आने वाले हैं, और अमित शाह यहां दर्शन करने के बाद कुछ समय के लिए सह्याद्री गेस्ट हाउस जाएंगे और गेस्ट हाउस में ही रुकेंगे, और जब यहां से पार्थिव शरीर वर्ली के लिए जाएगा वहां वर्ली में भी जाकर अंतिम दर्शन करेंगे और विदाई देंगे। अमित शाह का देर शाम तक का यही मुंबई में ही कार्यक्रम है, और रतन टाटा को विदाई देने के लिए अंतिम दर्शन करने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। ये भी एक जानकारी मृत्युंजय ने दी है, एक बड़ा अपडेट उनके पास। ठीक है मृत्युंजय, मैं आपके पास लौटूंगा, आगे भी आपसे बातचीत जारी रहेगी, वहां से तमाम इन्फॉर्मेशन हम आपसे लेते रहेंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।